नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वन इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ विशाल मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर कन्नौज से है, जहां हाफ मैराथन और कंट्री रेस में पुलिस के जवानों ने दौड़ लगाई। जवानों ने हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ लगाते हुए सबके दिलों में राष्ट्रभक्ति की भावना जगाने की कोशिश की। ये हाफ मैराथन पुलिस लाइन से तिरुबा क्रॉसिंग के बीच हुई है। इस दौरान SSP CEO के अलावा पुलिसकर्मियों ने दौड़ में हिस्सा लिया। वहीं दौड़ में जीतने वाले विजेताओं को DM शुभ्रांत शुक्ला और SSP कुमार अनुपम सिंह ने सम्मानित किया। अगली खबर श्रावस्ती से है। श्रावस्ती में आज भाई बहन के महान पर्व रक्षाबंधन के मौके पर देश के अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें सामने आ रही हैं। शहर से लेकर के गांव तक रक्षाबंधन पर्व की धूम मची हुई है। यूपी के श्रावस्ती में भी कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला, जहां बहनों ने भाइयों को रक्षा सूत्र बांधकर उनकी लंबी उम्र की कामना की है। वहीं भाइयों ने अपनी बहनों की रक्षा का वादा किया है। ये भाई बहन के प्यार का त्यौहार होता है और हम लोगों के ये, जैसे आप देख सकते हैं कि हाथों में ये राखी बांधी है बहनों ने, और उन्होंने हमारी लंबी उम्र की कामना की है और हम लोगों ने अंतिम सांस तक उनके रक्षा के लिए वचन दिया है। और ये सदियों से हम लोग मनाते चले आ रहे हैं, और बशर्ते ये थोड़ा टाइम का जो गैप था, ये कुछ विद्वान पंडितों ने बताया कि ऐसे है, कुछ भद्रा लगता है। बाकी हम लोगों ने बहुत उत्साह से इस पर्व में हम लोग मनाए हैं इस पर्व को। अगली खबर सोनभद्र से है, जहां SOG और 54 पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने वाराणसी शक्ति नगर मार्ग के 54 बैरियर से एक लग्जरी वाहन से लगभग 45 किलो गांजे के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि ये दोनों तस्कर उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के रहने वाले हैं, जो बरामद हुए गांजे की खेप उड़ीसा से सोनभद्र के रास्ते बलिया जिले में ले जा रहे थे। पुलिस अधीक्षक यशवीर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि लगातार जिले की जनता से गांजा बिक्री की शिकायत मिल रही थी, जिसको लेकर के जिले में नशा तस्करी रोकने के लिए अभियान चलाया गया था। पकड़े गए गांजे की कीमत लगभग 5 लाख रुपये बताई जा रही है। जनपद सोनभद्र में यहाँ की पब्लिक के द्वारा एवं मीडिया के द्वारा लगातार शिकायतें की जा रही थी कि यहाँ पर अफीम का और गांजे का अवैध कारोबार काफ़ी मात्रा में फल फूल रहा है। इसी को लेकर अपनी पुलिस की टीम को, SOG को, सर्विलांस को, थाना को और जितने राजपत्रित अधिकारी हैं सबको उच्च अधिकारियों के द्वारा भी, मेरे द्वारा भी निर्देशित किया गया था कि ऐसे लोगों को पकड़ना है जो मादक पदार्थों की सप्लाई इस डिस्ट्रिक्ट में कर रहे हैं। तो उसी क्रम में लगातार चरस, गांजा, अफीम पर कार्रवाई हो रही है। आज इसी क्रम में 45 किलोग्राम गांजा पुलिस ने पकड़ा है 54 पुलिस ने चेकिंग के दौरान, और एक SUV गाड़ी भी पुलिस ने बरामद की है। इसमें दो लोगों की पुलिस ने गिरफ्तारी की है। दोनों लोग बलिया के रहने वाले हैं और इनके द्वारा बताया गया कि ये लोग छत्तीसगढ़ से भी और उड़ीसा से भी गांजा लाते हैं बाई रोड अपनी गाड़ी में रख के। खबर अलीगढ़ से है। बेहद गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाला एक व्यक्ति DM की सरकारी गाड़ी से CMO कार्यालय पहुंचा, जिसके बाद कार्यालय में हड़कंप मच गया। इस घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। अब बता दें कि लोग जिलाधिकारी विक्रम सिंह की दरिया दिली की खूब तारीफ कर रहे हैं। दरअसल वो व्यक्ति दिव्यांग है और इसके अलावा देख भी नहीं सकता है, जो अपना दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाने के लिए 2 साल से परेशान है। ऐसे में जिलाधिकारी ने अपनी गाड़ी में उसे बैठा कर उसकी फरियाद सुनी। आज प्रातः जन सुनवाई के समय एक दिव्यांग व्यक्ति आए थे, जो नेत्रहीन थे जन्म से, और उनकी समस्या ये थी कि जब वो बसों में ट्रेवल करते थे तो उनको छूट नहीं मिलती थी। उसका कारण रोडवेज की कंडक्टर्स उनसे मांग करते थे कि आपका जो दिव्यांग प्रमाण पत्र है वो ऑनलाइन नहीं है, और वो हाथ का बना हुआ था, तो वो उनकी एक कठिनाई थी। चूँकि वो दूर से आए थे खैर से, तो इसलिए उनको मैंने CMO के पास अपनी गाड़ी से भेजा था कि आज ही इनका ये जारी करा दीजिए, ताकि इनको आने वाले समय में कठिनाई ना हो। तो अभी मुझे CMO ने व्हाट्सएप किया है, जिसके अनुसार उसका जो प्रमाण पत्र था, दिव्यांग प्रमाण पत्र,
वो ऑनलाइन जारी हो गया है और उनको एक स्मार्ट कार्ड दे दिया गया है ताकि अब उनको आने वाले समय में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। अगर कोई भी एजेंसी सत्यापित करना चाहती है कि इनका प्रमाण पत्र वैलिड है या नहीं, जेन्यून है या नहीं, तो इसको वो बड़े आराम से उस नंबर पर डायल करके इसकी जांच कर सकती है। तो ये सिंपल एक बात थी। खबर हरदोई के अरवल थाना क्षेत्र से है, जहां गांव में किसी विवाद की शिकायत मिलने पर विवाद सुलझाने पहुंची पुलिस की टीम। नशे की हालत में बैठे लोगों ने लाठी डंडों से पुलिस कर्मियों के ऊपर हमला कर दिया। यूपी के पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 पर कॉल कर पुलिस को बुलाई गई थी। घायल पुलिस कर्मियों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अगली खबर बुलंदशहर से है। देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ को आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाए जाने के अवसर पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, शहीद सैनिकों के परिजनों, गैलेंट्री अवार्ड विजेताओं को सम्मानित किए जाने के लिए अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान की शुरुआत डीएम चंद्रप्रकाश सिंह ने की। वहीं सभी उपजिलाधिकारी को एक एक तिरंगा शॉल, 1 किलो मिष्ठान, 1 कोविड किट के 400 पैकेट उपलब्ध कराते हुए डीएम ने कहा कि वह स्वयं भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के घर जाकर उन्हें इस पैकेट सामग्री से सम्मानित करेंगे। खबर कन्नौज से है। कन्नौज में रक्षाबंधन को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। बहनों ने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी, साथ ही उन्हें अपनी सुरक्षा का वचन भी याद दिलाया। वहीं बाजारों में जगह जगह मिठाई की दुकानें सजी हुई देखने को मिल रही हैं। साथ ही रक्षाबंधन पर महंगाई का असर भी लोगों को खूब परेशान कर रहा है। अगली खबर संभल से है। संभल में डीएम ने गांवों की सड़कों को चमकाने की मुहिम शुरू कर दी है। लोग जल्द ही ग्राम पंचायतों की सड़कों पर फर्राटे भरते नजर आएंगे। वहीं सब कुछ ठीक ठाक रहा तो अब गांव में विकास कार्य की योजनाओं पर भी कार्य किए जाएंगे। दरअसल जिले के 670 ग्राम पंचायतों में अधिकांश सड़कों की हालत खराब है, जिसके चलते ग्रामीणों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। डिजिटल इंडिया अभियान के अंतर्गत आज की डेट में हम लोग विभिन्न गतिविधियां कर रहे हैं। इसके अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा भी अपने विभिन्न संबोधनों में इस बात की चर्चा की गई है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत को आधुनिक बनाया जाए, वहां पर वाईफाई की व्यवस्था हो और उसको डिजिटल इंडिया से जोड़ा जाए। इसी के तहत सीसीटीवी कैमराज हम लोग हर ग्राम पंचायत में लगाने के मैंने निर्देश दिए हैं डीपीआरओ को। इससे कई फायदे होंगे। सबसे पहला, इसमें जो क्राइम है उसमें काफ़ी कम होगा। अक्सर गांव में, गलियों में, मुख्य चौराहों पर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होती है, तो इसमें उसमें भी काफ़ी कमी आएगी। या फिर कोई चोरी या इस प्रकार की कोई घटना घटती है जिसमें कोई मुलजिम जो है वो कोई भी अपराध करके भागने की कोशिश करता है, तो उसकी पहचान करने में भी इसमें आसानी होगी। और साथ ही साथ ये एक इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम होगा। एक उसमें जनपद स्तर पर भी हम लोग किसी भी ग्राम पंचायत में जो सीसीटीवीज लगेंगे उसमें क्या घटना घट रही है, क्या हो रहा है। खबर सहारनपुर से है। सहारनपुर में आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर आजादी के अमृत महोत्सव के स्वतंत्रता सप्ताह और हर घर तिरंगा अभियान के अवसर पर 11 से 15 अगस्त तक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसी दौरान आज जनमंच सभागार में आजाद भारत नाटिका कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां नृत्यांगना रंजना नायब के निर्देशन में ये कार्यक्रम किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में नगर विधायक राजीव गुंबर उपस्थित रहे। खबर बुलंदशहर से है। बुलंदशहर के पावर कॉर्पोरेशन में तैनात पंकज गुप्ता नामक बाबू ने बिजली बिल कम करने के नाम पर एक किसान से 6000 रुपये की रिश्वत मांगी। रिश्वत मांगने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल किसान के 18000 बिल को कम करने के लिए बाबू ने 6000 की रिश्वत मांगी थी। खबर गदरपुर से है। गदरपुर में पूर्व कैबिनेट मंत्री और वर्तमान विधायक अरविंद पांडे की दीर्घायु की कामना के साथ क्षेत्र की कई बहनों ने राखी बांधी। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने रक्षाबंधन के पर्व पर क्षेत्र के सभी भाई बहनों को शुभकामनाएं दी। साथ ही विधायक ने कहा कि विपत्ति में द्रौपदी की रक्षा भगवान श्री कृष्ण ने किया था और इसी तरह सभी भाइयों को अपनी बहनों की रक्षा करनी चाहिए। पवन पवित्र
रक्षाबंधन की आपके माध्यम से पूरे समाज को मैं शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। यह रक्षाबंधन का त्यौहार, यह प्रेम का और भाईचारे का त्यौहार है। बहनें भाई की लंबी उम्र के लिए, और कभी ऐसा वक्त पड़े कि भाई की आवश्यकता बहनों को पड़े, तो उस समय भाई जैसा कृष्ण भगवान ने द्रौपदी की रक्षा की थी, इस भाव के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। और इसे बहुत ही पवित्र त्यौहार की मैं सबको शुभकामना देता हूँ, अपने बहनों को शुभकामना देता हूँ। उसी कड़ी में आज हमारे क्षेत्र की जो हमारी बहनें हैं, जिन्होंने मुझे चुनाव जिताने से लेके कोई भी कार्यक्रम हो, हर सुख दुख में मेरी चिंता करती हैं। खबर उत्तरकाशी से है। उत्तरकाशी में जगह जगह नुकसान की खबरें सामने आ रही हैं, जहां भारी बारिश से कई ग्रामीण सड़कें बाधित हो गई हैं। दरअसल पीडब्ल्यूडी निरीक्षण भवन बड़कोट के पास डेंजर जोन बन गया है, जिसमें भारी मात्रा में दिन प्रतिदिन पानी और मलबा इकट्ठा हो जाता है। इस वजह से आसपास के लोग परेशान हैं। वहीं सड़क पर जलभराव होने से आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगली खबर बुलंदशहर से है, जहां विकासखंड वीबी नगर स्थित ग्राम सैदपुर में नवनिर्मित पंचायत भवन का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे डीएम चंद्र प्रकाश सिंह ने कहा कि देश की आज़ादी 75वीं वर्षगांठ को हर्षोल्लास के साथ मनाने के लिए अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। वहीं डीएम ने कहा कि गांव सैदपुर की पावन भूमि को नमन करता हूं और यहां की धरती ने ऐसे वीर सपूतों को जन्म दिया है जिन्होंने देश की आज़ादी और देश की रक्षा में अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। आज भी बड़ी संख्या में इस गाँव के लोग सेना में भर्ती होकर देश की सेवा कर रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।